रिक्वेस्ट हो रही थी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, लिमिट के कंसेप्ट की वीडियो के लिए, तो फाइनली मैं आप लोगों के सामने लिमिट का कंसेप्ट लेकर आ गया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लिमिट का कंसेप्ट जो है हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि थोड़ा सा काम में बिजीनेस थी, इस वजह से मैं चाहता था कि इसको अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, इसी वजह से मैं इस वीडियो को थोड़ा सा रोक रखा था, ठीक है। तो फाइनली जो है वीडियो आपके सामने है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर किया करिए, आपके कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए देखिए, लिमिट ये जो चीज़ है, ये आपके सामने जो डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं सिर्फ इसको एक बार गो थ्रू होऊंगा, लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी आपको इस तरीके से लिखना नहीं है। पहले एक बार मैं गो थ्रू हो लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिमिट जो है हमेशा फंक्शन की निकलेगी, फंक्शन नहीं होगा तो लिमिट उसकी जो है नहीं निकाल पाएंगे। इफ़ अ रियल फंक्शन fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इन द नेबरहुड ऑफ अ फिक्स्ड नंबर a एंड fx, एक एक वर्ड को मैं अंडरलाइन करूँगा जो इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ अ फिक्स्ड नंबर a एंड fx अप्रोचेज अ फिक्स्ड नंबर l एज x अप्रोचेज फ्रॉम आइदर साइड ऑफ a, देन l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ fx as x tending to a, and we write like this, limit of fx as x tending to a is equal to l, or in short limit ना लिखें तो lt भी लिख सकते हैं, limit of fx x tending to a is equal to l। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर और ये फाइनल ये और बोल बता देता हूँ मैं, और इस केस में L जो है ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx है। इसका मतलब ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन x है, fx है, ठीक, और उस fx फंक्शन के अंदर आप x एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू जो है आप अप्रोच करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर की तरफ, तब वो फंक्शन किस तरफ मूव करता है, ठीक है। लिमिट का मतलब ये है, ये मतलब नहीं है कि उस फंक्शन में उस नंबर को रख दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये मतलब नहीं होता है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए, तो ए पे हमने इसको रख दिया और ए की वैल्यू बता दी, ये लिमिट का मतलब बिल्कुल नहीं है। लिमिट का मतलब ये होता है कि जब जब वो वेरिएबल, यहाँ पे एक्स को वेरिएबल है, तो ये जब एक्स की तरफ मूव करेगा तो ये फंक्शन किस तरफ मूव करेगा। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये बोल रहा है कि जब x a की तरफ मूव कर रहा है तो ये fx जो है l की तरफ मूव कर रहा है, तो ठीक है, तो ये l की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे l जो होगी वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx कहलाएगी, ठीक है, फंक्शन कहलाएगी। अब एग्जिस्टेंस होने का मतलब क्या है कि कैसे पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एक ही सिर्फ एक तरीका है कि हमको दो लिमिट चेक करनी होती है। वो दो लिमिट कौन सी है, एक है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक है आपके पास राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों ही बराबर होंगी तभी हमारे पास कहेंगे कि लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसको एक बार मैंने ये जो है लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है, एक बार रीड कर लेते हैं फिर इसको हम आगे समझा देते हैं। इफ एफ एक्स टेंड टू द लिमिट एल एज एक्स टेंड टू ए, वी राइट लाइक लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए इज इक्वल टू एल, यानी अभी तो सिर्फ ये लिखने का तरीका बता रहा है। अब एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, एग्जिस्टिंग ऐसे चेक करेंगे, इनफैक्ट द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू एग्जिस्ट ओनली, देखिए वही चीज़ बता रहा है, एग्जिस्ट कब करेगी, ओनली वेन द टू लिमिट्स ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए थ्रू अ वैल्यू ग्रेटर देन ए, दैट इज एक्स प्लस एक्स टेंस टू ए प्लस एंड एक्स टेंड टू ए माइनस, ठीक है, देन बोथ एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट करेंगे, आर इक्वल, देन दैट इज सेइंग बाई लाइक दिस, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस,
यहाँ पे ए जो है यहाँ पे जीरो मान लिया है हमने, ठीक है, और लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस। अब इसका मतलब क्या है, ये अभी मैं एग्जांपल दूंगा तब तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि लिमिट किसी फंक्शन की एग्जिस्ट तभी करेगी जब हम दो लिमिट्स को चेक करेंगे। एक उसकी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज ए माइनस, किसी फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो ए माइनस, और राइट हैंड लिमिट ए प्लस, ठीक है। जब ये दोनों ही वैल्यू आपस में बराबर होंगी लिमिट की, ठीक है, तब ये कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और इन दोनों लिमिट्स को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दीज टू लिमिट्स आर कॉल्ड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे ये जो है, ये है आपके पास राइट हैंड लिमिट और ये है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर ये दोनों लिमिट आपस में बराबर होंगी तभी हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी, और अगर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये फंक्शन जो है, अभी एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं आप लोगों के, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, ठीक है। फंक्शन आपके पास ये है, अब हमें इसकी लिमिट कहाँ चेक करनी है, एट एक्स टेंडिंग टू वन पे चेक करनी है, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन पे चेक करनी है, ठीक है। अब अगर आप देखें कि ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू वन यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस वन जीरो और वन माइनस वन जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जीरो बाई जीरो को जीरो मत लिख देना, ठीक है, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो आने वाली जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा अगले पार्ट में तो मैं वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा कि वन रखने पे तो ज़ीरो ज़ीरो बाई ज़ीरो यानी ज़ीरो बाई ज़ीरो बन रहा है, लेकिन इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख सकता था, ठीक है, और नीचे x माइनस वन, तो ये कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास बन जाता है x प्लस वन, और जब यहाँ पे वन रख देता हूँ तो ये वैल्यू आ जाती है टू। इसका मतलब क्या है, तो लिमिट की ज़रूरत ही हमें इस वजह से पड़ी है कि उन फंक्शन को हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वैल्यू निकालना, ये पता करना कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जब हम अप्रोच करेंगे तब वो किस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे, इसका मतलब है कि लिमिट इस फंक्शन के लिए जब x 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन की जो वैल्यू है किस तरफ मूव करेगी, ये मत करिएगा। देखिए अभी जो मैंने समझाया था कि उस पर्टिकुलर फंक्शन वैल्यू को उसमें पुट कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं, नहीं, वो चीज़ गलत है, ठीक है। हम उसकी वैल्यू चेक नहीं कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि उस वैल्यू पे, यानी उस ये जो एक्स वेरिएबल है जब वन की तरफ अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन की जो नेट वैल्यू जो है ये किस तरफ मूव करेगा। तो जीरो वन डायरेक्ट रखने पर तो ज़ीरो बाई ज़ीरो आ गई, अगर आप ये कर देते तो आप ज़ीरो मिल जाता, लेकिन आपने देखा कि एक्स टेंडिंग वन पे एक्चुअल भी ये कहाँ मूव कर रहा है, ये टू। अब इसको मैंने, दो टेबल आप देख रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है मैंने, ठीक है। तो मैं इसको एक बार यहाँ से रफ कर देता हूँ जिससे जो चीज़ें आपके समझ में आ जाए, ये टेबल में मैंने बताने की कोशिश क्या करी है, ठीक है। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की क्या क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब एक्स वन की तरफ हम कैसे पहुंच सकते हैं, वन की तरफ हम ऐसे पहुंच सकते हैं, दो रास्ते होंगे, ये बीच में आपका वन है, ठीक है, या तो आप इस तरफ से आ जाएं, बीच में वैल्यू रखी है और वन है, या फिर इस तरफ से आ जाएं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट वो लेफ्ट हैंड साइड से, या फिर राइट हैंड साइड से आ जाएं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है जिस भी वैल्यू की बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम, नेट कम, बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक, ये मतलब होता है। और राइट हैंड साइड का मतलब ये होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, समझ में आ गया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसी फंक्शन को, मैंने यहाँ पे वन की बात कर रही है, तो अब आप इस टेबल को देख लीजिए, इस टेबल को देखिए, जब मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखी, वन की बात मैं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एट एज एक्स टेंडिंग टू वन। अब यहाँ देखिए वन माइनस मैंने लगाया,
वन माइनस, इसको समझ लीजिए, एक्स वन माइनस यानी वन से थोड़ा सा कम, यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं आर एच एल, ठीक है। अब आप देखिए एक्स की वैल्यू वन माइनस का मतलब नेगेटिव नहीं है, वन का माइनस है वन से कम। तो देखिए मैंने एक्स की वैल्यू जब 0.5 रखी तो इस फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू किस तरीके से चेंज कर रही है, 0.5 पे 1.5, 0.6 पे 1.6, 0.7 पे 1.7, आप खुद ही रख के चेक कर लेना, अपने आप देख लीजिएगा। 0.1 की वैल्यू पे रख के 1.9, 0.99 रखा तो 1.99, और 0.999 रखा तो देखिए 1.999, ऐसे और 9 बढ़ाऊंगा तो फाइनली ये 2 की तरफ मूव कर रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2 की तरफ मूव कर रही है। अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लीजिए, राइट हैंड लिमिट का मतलब है ये, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस और ये 1 प्लस, यानी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा रख के देखा, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा रख के आग उससे दूर नहीं जाना है, यानी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है और फिर उस ज़्यादा से आप 1 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1.5 रखा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5, इसी फंक्शन में रखिएगा और 1.1, अब देखिए 1.5 बड़े से आया है यानी 1 से ज़्यादा, 1 से ग्रेटर वैल्यू है और 1 की तरफ आ रहे हैं, तो ये 2.1 हो गया। फिर 1.01 रखा तो ये वैल्यू आ गई, 1.001 रखा तो ये वैल्यू आ गई, और फाइनली 1.01 पे देखिए 2.001 आ गई, और फिर 1 पे ये 2 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा कि दोनों ही साइड से जब हम 1 की तरफ, x जो है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी x जो है 1 की तरफ ऐसे अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, जब आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है ये 1 की तरफ, यहाँ से 1 प्लस की तरफ से मूव कर रही है और यहाँ पे 1 माइनस की तरफ से मूव कर रही है, तो ये जो फंक्शन जो है ये ऐसे मैं लिख देता हूँ, हाँ ये फंक्शन जो है ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये 2 की तरफ मूव कर रहा है। तो आपने देखा कि दोनों ही केस में ये 2 की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू जो है 1 के करीब लेके जाएंगे तो फंक्शन 2 की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ही केस में बराबर आ रहा है, दैट मीन्स इस फंक्शन की जो लिमिट है ये 2 जो है, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन यानी एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी है, वो है आपके पास जो है 2, ठीक है। ये तो इसका आंसर है, ठीक है। अब आगे एक एग्जांपल और समझाऊंगा। तो फाइनली हमने ये कंक्लूड करके चीज़ निकाली कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, ए माइनस वन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस यानी राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों बराबर होंगी तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, चेक लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ या ऐसे लिख देता हूँ, मॉड एक्स जो होता है प्लस खुलता है जब पॉजिटिव खुलेगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। और ये नेगेटिव माइनस के साथ खुलता है जब ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास पहला केस है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, यानी जब जीरो प्लस यानी जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा। अब मैंने बात की कि प्लस लगा हुआ है तो ये फंक्शन क्या खुलेगा, एक्स बाई एक्स खुलेगा, ठीक है। तो हमने ये कैंसिल किया तो ये वन आ गया, यानी लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस पे हमारे पास जो वैल्यू आई निकल के वो वन आई। इसी तरीके से ये केस टू है जब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, यानी जीरो से छोटा का मतलब है जीरो से ज़रा सा कम होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो जब ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ये खुलेगा माइनस एक्स लगा के, मॉड की बात कर रहा हूँ मैं, मॉड की बात सिर्फ। अब देखिए जब ये फंक्शन इस तरीके से खुलेगा तो आपने ये देखा तो ये जब कैंसिल करोगे तो नियर ये आ जाएगा माइनस वन। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई आपकी वैल्यू वो आई आपके पास माइनस वन, और राइट हैंड लिमिट जो आई, ये राइट हैंड लिमिट है, ये है आपके पास वन। तो आपने ये देखा कि एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमने ये चीज़ देख ली कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस पर हम एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है। ये सवाल अच्छे हैं, और ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये तभी आएंगे जब फंक्शन जो है डिफरेंट तरीके से ओपन होता है, यानी ग्रेटर देन पे कुछ और लेस देन पे कुछ, ये तभी फॉर्मूला जो कंसेप्ट वैलिड है। अदरवाइज लिमिट के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उस पर मैं ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज में करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो उनका तरीका अलग होता है, ठीक है। अब देखिए, लिमिट एवेल्युएट करनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ एक्स, यानी वन पे हमें चेक करनी है लिमिट क्या होगी, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये है। अब देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन ये किसके लिए है, ये है एक्स लेस देन इक्वल टू वन पे ये फंक्शन खुल रहा है बस। तो लेस देन की बात कर रहा है ना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, तो वन से नेक कम, तो ये फंक्शन ऐसे लिख लिया। तो अब ये फंक्शन कितना हो गया, फंक्शन है एक्सटेंडिंग टू वन माइनस पे, वन माइनस पे कौन सा फंक्शन खुलेगा, क्योंकि देखिए वन से कम, वन या वन से कम पे ये वाला फंक्शन खुलेगा, तो एक्स क्यूब प्लस का एक्स माइनस वन, ठीक है, ये वाला फंक्शन खुलेगा। अब फाइनली इसमें आप वन रख के देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि फंक्शन सेपरेट हो गया, यहाँ वन रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वन का क्यूब प्लस वन माइनस वन, तो ये नियर अबाउट आपका वन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब आपका ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस, एक्सटेंडिंग टू वन प्लस पे फंक्शन पहले कौन सा खुलेगा, आप देखिए एक्स इज ग्रेटर देन वन पे ये खुलेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस पे फंक्शन आ गया वन प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे वन रख दिए इस फंक्शन में, तो ये आ जाएगा वन वन प्लस साइन ऑफ वन माइनस वन, दैट इज साइन जीरो जीरो ही होता है, तो ये नियर अबाउट आपका वन आ गया। तो अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों ही जो है इक्वल हैं। तो हमारे पास आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन, दिस इज योर आंसर। तो लिमिट के प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट जो मैंने बताया आपके समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।